लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फिर से एक बारी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, तालियों के साथ स्वागत करिए आप हमारा, हम आपका। और इस बारी हम स्वागत करें आपका इस साल के लास्ट दिन पे, क्योंकि आज है दिवाली। तो सबको मेरी ओर से हैप्पी दिवाली। तो आज हम दिवाली का व्लॉग बना रहे हैं, तो बस अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में तो अपन कभी व्लॉग स्टार्ट करते नहीं। हमारा ज़्यादातर व्लॉग रात को ही चालू होता है, तो जस्ट होटल से फ्री हुआ और मैंने व्लॉग चालू कर दिया। तो अभी बस मैं रंगोली भी बनाया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा और बाकी फटाके फोड़ेंगे। तो लो जी, लो देखो, ये वाला जो रंगोली है मैंने बनाया, थोड़ा अभी आवाज़ में भी वो हो रहा है, मतलब कि अभी थोड़ा आवाज़ भी बैठ गया है, मतलब धुआं धुआं हो गया ना, तो उसके कारण थोड़ा आवाज़ भी बैठ गया, मतलब आवाज़ इतना जो पहले हो रहा था वो वाला नहीं मिल रहा है, मतलब सर्दी सा हो रहा है थोड़ा धुएं के कारण। अभी अपील की बारी, अपील जला रहा है। तो अभी अपना राहुल जला रहा है, जला भाई। मैंने उसको बोला कि अभी तू जला दे, अभी अपनी बारी है। हाय 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 हाय, ये तो जल्दी तो ये है अपना राजू, मुझे हर टाइम बोलता है कि अरे हीराज भाई मेरे को व्लॉग में ले लो। तो थोड़ा ये भी देख लो, जो मैंने लाइटिंग करवाया ये मतलब अलग से नया बनवाया, जो कि पहले होटल थी वो उसका काउंटर यहाँ पे रहता था, और अभी ये वाला बनवा दिया देखो पूरा। और ये भी थोड़ा मैंने डेकोरेशन किया वेस्ट में से बेस्ट वाला, थोड़े से पाइप मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने थोड़ा ये सोचा और इसको बना दिया। कैसा लग रहा है होटल वो भी ज़रा बता दो एक बारी। जा रहा हूँ, फटाका फोड़ने, लाइटर ले लिया हाथ में, और देखते हैं ये सबसे बड़ा फटाका मैंने लिया है, देखते हैं कितना चलता है और कैसा फूटता है। बाकी का देखो वीडियो। 60 बार की बात हुई थी। अपना जो ये वाला ऑर्डर है वो आ चुका है, और ये भाई ठीक से भी दे रहे हैं, अभी बस अंदर जाने के बाद चालू कर देना है। भाई स्पून दे दो। लंबे टाइम बाद आ रहा हूँ, टेस्टी लग रहा है, मज़ा आ रहा है, और याद नहीं है आज कब आया था, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। मैं ना दिवाली के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो अभी मैकडी से निकले और गाड़ी में घर पे जा रहे, तो मैंने सोचा चलो इससे पहले दिवाली के बारे में कुछ बात किया जाए। तो दिवाली का ना कुछ ये स्टोरी है, बहुत पहले एक राजा दशरथ करके थे, राजा दशरथ ने अपनी उम्र होने के बाद ऐसा सोचा कि चलो अपनी जो राजमहल की गादी है वो अपने बड़े बेटे को दे दूं। तो उसके बड़े बेटे जो थे वो थे राम, राम को गादी देने को सोचा। राम जो है उसकी माता का नाम था कौशल्या, तो उसने सोचा कि चलो बड़े बेटे को गादी दिया जाए। उसकी दूसरी पत्नी थी जो राजा दशरथ की, कैकई। राजा दशरथ ने कुछ ऐसी बात हुई होगी, दो वचन मांग सकते हो ऐसा करके, कैकई ने ना पहले एक ही वचन मांगा था, दूसरा वचन मांगना बाकी था। राम को जब गादी दे रहे थे तब कैकई ने ना दूसरा वचन मांगा और बोला गादी जो है अयोध्या की वो मेरे बेटे भरत को दी जाए, और राम को जो है 14 साल का वनवास दिया जाए। तो उस टाइम राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब दो वचन की बात हुई थी, वचन भी दिया तो वचन भी पूरा करना था, इसलिए कुछ बोले नहीं। राम को 14 साल का वनवास मिला। वहाँ पे वनवास पे ना क्या हुआ कि सुरपंखा करके एक राक्षसी आती है जो है रावण की बहन, वो श्री राम को एकदम से देखती है और श्री राम को पसंद भी कर लेती है। श्री राम के पास जाती है और बोलती है कि मुझे आप पसंद हो और आपसे मेरे को शादी करने का है। श्री राम बोलते हैं कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, आप ना एक काम करो मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, उसका भी शादी बाकी है। सुरपंखा वो लक्ष्मण के पास गई थी, लेकिन लक्ष्मण ने भी बोला कि नहीं मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। सुरपंखा थी वो बहुत ही गुस्से में आ गई थी और उसने अपने भाई रावण को बताया। फिर जो रावण है वो एकदम से गुस्से में आ गए और उसने जो है और सीता माता का हरण किया। श्री राम सीता माता को ढूंढते ढूंढते श्रीलंका गए, श्रीलंका से जब बाद में अयोध्या आए, और सीता माता लेने के बाद जब अयोध्या आए तो अयोध्या के वासियों के अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी थी, तो ये खुशी वाला माहौल था। तो अयोध्या में ना बहुत ही सारे दिए जलाए गए और श्री राम का स्वागत किया फूलों के साथ में,
तो इस दिन को दिवाली के, तो उसी कारण हम दिवाली मनाते हैं। और कल जो है वो न्यू ईयर भी है। अगर ऐसा रहा तो दोनों व्लॉग साथ में कर दूंगा, बाकी तो एक ही आ जाएगा, बाकी दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा। अभी तो बहुत सारे व्लॉग आने, अपना चैनल भी मोनेटाइज करवाना है। तो चलो मिलते हैं कल सुबह में। गुड मॉर्निंग, दूसरा दिन आज, आज जो कि न्यू ईयर नहीं है। तो मुझे आज सुबह पता चला कि आज न्यू ईयर नहीं है, आज कुछ दूसरा दिन है, धोखा वाला बोल रहे, पता नहीं क्या है। लेकिन आज न्यू ईयर कल है, तो आज थोड़ा मैं और चेतन निकल पड़े हैं सवारी में। क्या बोलता चेतन, सही बात ना? सही। तो आज थोड़ा सवारी में निकल चुके, यानी कि कपड़ा वपड़ा लेने जा रहे। अभी बस निकल चुके, वही ये पता है, बाकी आगे का कुछ पता नहीं है। आगे जैसे जाएंगे वैसे पता चलेगा कि क्या प्लान है, क्या कुछ। और चेतन तो जा रहा का बोल रहा है, और देखते हैं क्या होता है, कहां जाते गाड़ी रखा है। ये वीडियो में इसलिए बना रखा हूँ, याद रहे, ये वीआर का पार्किंग इतना बड़ा है, कुछ याद ही नहीं रहता है। तो गाइस, ये आप जो देख रहे हो, ये है वुमन्स का कलेक्शन। और मुझे ना आज तक पता नहीं चला कि ये वुमन का कलेक्शन जो है इतना बढ़िया कैसे हो सकता है। वुमन का कलेक्शन मतलब कुछ भी, मतलब इतना मेंस के लिए वहाँ पे एक ही पार्ट, और वुमन्स का तो पूरा एक फ्लोर, एक ग्राउंड फ्लोर जो है ना वो पूरा वुमन्स का है। ये वाला मुझे सही लग रहा है ठंडी के लिए। नहीं भाई, नहीं सही है। ये देखो बच्चा कितना क्यूट है, एकदम से यहाँ आया, वो शूज ट्राई कर रहा था, जब तक मैंने वीडियो चालू किया भाग गया फिर से वहीं पे। भाई मेरे को ना ज़ारा में आया हूँ और कपड़े लेने का मन कर रहा है। मैंने ये वाला पैंट देखा, देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन प्राइस देखो उसकी, कौन लेगा भाई ये वाला, इससे अच्छा तो मैं इसमें लग रहा हूँ। क्या बोलती पब्लिक? तो अभी ज़ारा से लेके निकल चुके हैं और अभी कहीं आगे जा रहे कोई और जगह पे। अरे यार ये थार ना जंप बहुत करती है, मतलब ऐसे ऐसे ही फ़ोन हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि वीडियो में स्टेबिलिटी आएगी, देखते हैं। फिर भी वीडियो एडिट करने के टाइम बैठेंगे, देखेंगे क्या हुआ। चलो अभी जाते आगे की मंजिल की ओर, स्टेट। देखो जो ये बच्चा है ना, वो अपने लिए ट्राई कर रहा है ना भाई, तेरे लिए ट्राई कर रहा है ना बेटा। देखो मुझे इग्नोर कर रहा है, यहाँ से निकाल के वहाँ कर रहा है और वहाँ से निकाल के यहाँ कर रहा है। तो ये बंदा कैसे चल रहा है ड्रोन के जैसे। अरे अभी कपड़ा लेने के बाद आ चुके हैं खाने के लिए मैं और चेतन। अभी देखो बंदा अब आ रहा है एक घंटे के बाद, आई थिंक उसको पता चल गया। हैप्पी दिवाली। लो जी, हो गए तीसरे दिन की शुरुआत, और आज तीसरे दिन सुबह है न्यू ईयर। तो सबको मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर, जय श्री कृष्णा, राम राम, साल मुबारक। काम तो बोल सकते हैं कि घर पे बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और कहीं और भी जाने वाले हैं हम, तो आज बहुत भाग दौड़ रहने वाली है। तो चलो देखो, अभी घर पे थोड़ी देर हूँ कि कोई ना कोई आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हूँ, बाद में कहीं और जा रहा हूँ दोस्तों को मिलने के लिए। तो कहीं और रिलेटिव में जाना पड़ता है, वहीं जाना है अभी। देखो ये ना बहुत पहले शरारत करता था, अभी तो आके मेरे पैर छू रहा है, और ये इसके पापा। माता जी आया था बड़े पापा के घर पे और केविन मुझे मिल गया। केविन आना है अंदर को मेरे साथ में, आना है ना। उसको हिंदी समझ नहीं आ रही, आऊ छे ने तारे, मजा आवशो, विचारी लाजी एक बार, आ मगज ने एक बार फेर भी देता रे, आवू होय तो मजा आवशे, पछी नहीं कहतो मने नो लई गया, मजा आवशे। हजी एक बार विचारी ले। मैं जो मिठाई पैक करवाने आया हूँ, बाकी जाना है और आगे की ओर। अभी पहले मिठाई पैक करवाता हूँ 10 बॉक्सेस, बाद में जाते हैं कहीं और। देखो अभी होटल का ना बर्थडे पार्टी चल रही थी यहाँ पे, ये सारे गुब्बारे ना देखो सब लेके घूम रहे। देखो संतोष भाई, देखो राहुल भाई, देखो राहुल भाई, ये जो भाई है ना, ये वाले भाई, वो है सुंदरलाल। उसका सही नाम तो नहीं पता है मुझे, लेकिन हम बोलते हैं सुंदरलाल, क्योंकि ये
नारायण भाई के साला है, और ये भी सुंदरलाल जो जेठालाल में आते ना वो सुंदरलाल। और ये मेरा सुंदरलाल। हाँ ये चेतन ने सही वाला बोला क्योंकि मैं उसका सुंदरलाल हूँ। तो अभी हम टोल नाके से निकल रहे थे और ये भाई हमें मिल गए, तो बोल रहे हैं मैं वीडियो बना रहा था, बोल रहे हैं किसकी वीडियो बना रहा हूँ, मैंने बोला अपनी यूट्यूब की। तो ये भाई ने ये लड़का है देखो, यही है देखो, सब्सक्राइब कर दिया भाई ने हमारा, थैंक यू भाई। तो अभी अभी पता चला हमको कि हमारी वीडियो एंड करना तो हम भूल ही गए, तो बस ये वीडियो एंड करने के लिए मैंने अभी शूट कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रहा था, पता चला कि वीडियो एंड करना भूल गया हूँ। चलो बता दो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो बताओ जल्दी से वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा हमारा दिवाली सेलिब्रेशन। तो आगे वाले त्योहारों में कुछ और शानदार करने की ट्राई करेंगे, इस दिवाली तो कुछ इतना खास हुआ नहीं, आगे वाली दिवाली कुछ और सोचेंगे, कुछ और त्यौहार आने वाले हैं तो वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेशन करेंगे। जितना हुआ उतना तो बता दो कैसा हुआ, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है, तो जाओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वीडियो कैसी लगी ये भी बता दो। तो थैंक यू फॉर मेकिंग माय पार्ट ऑफ डे, आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।